नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं इस 1 रुपए के पेन स्टॉक के बारे में। बहुत बेहतरीन खबर स्टॉक के बारे में निकल के आ रही है। प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब प्रमोटर्स लगातार स्टॉक को बाय कर रहे हैं रिटेल से या बोल सकते हो जनरल पब्लिक से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। पहले भी मैंने स्टॉक के बारे में आपको बतलाया था, राइट? अच्छा खासा आई थिंक गेन तो दिया था। अब नीचे की तरफ प्राइस आ चुका है और एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है। जो वीडियो को अंत तक देखना है, स्टॉक का नाम जानना चाहते हो, स्टॉक के फाइनेंशियल जानना चाहते हो, स्टॉक पे कहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैसे एवरेज करना है और हाउ टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ पेनी स्टॉक, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग खुद देख सकते हो, स्टॉक का नाम तात्या ग्लोबल वेंचर्स। हाँ दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आरओसी इसका आप देखिए 18% पॉजिटिव है और मैंने आई थिंक बीच में भी इसका वीडियो कवर किया था, राइट? ऑल टाइम लो 86 पैसे का है और बुक वैल्यू 1.68 रुपए है। क्लच होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, इसी क्वार्टर में प्रमोटर्स ने माल बाय किया है। देखो 38% था जो बढ़कर 41% हो चुका है, तो 3% का जंप हमें देखने को मिलता है शेयरिंग पैटर्न में बाय द प्रमोटर्स। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बाय द प्रमोटर्स की भैया ये स्टॉक इज गोइंग टू अ मल्टीबैगर। अभी सिर्फ 3% है, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद 9% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, ठीक है? तो नजरों में रखिए, डोंट मिस द रैली। ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है, ये प्रमोटर्स इसमें स्टैंप लगा रहे हैं। और आरओसी देखो 18% है, इसका मतलब कंपनी बहुत तगड़े वाले प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, राइट? और साथ में अगर बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन, कितना वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम आप लोग देखिए यहाँ पर आपको देखेगा शेयरिंग पैटर्न, एक सेकेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एक सेकेंड, ये रहा 96% की डिलीवरी इंटरडे में आज 9 जून 2023 को उठाई गई है, राइट? अब बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन चार्ट के बारे में, वो कि हमें क्या। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक प्यारा सा इनसाइड पर कैंडलस्टिक पैटर्न मारा है, ठीक है? तो ये स्टॉक अगर आपको, मैंने पहले भी आई थिंक बोला था इस रेंज में बाय कर सकते हो 1.23 रुपए, दोबारा बोलूंगा 1.23 रुपए अगर आता है तो डेफिनेट स्टॉक को बाय आप करिए, ठीक है? इस रेंज में स्टॉक को बाय करना इस रेंज में, और ये आप चाहो तो एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका रेंज होगा, प्राइस जोन होगा, मतलब बाय प्राइस जोन जो निकलता है 1.20 रुपए लेके 1 रुपए के बीच में, ठीक है? तो ये इस रेंज में आप स्टॉक को बाय करना, स्टॉप लॉस इसी कहने का लो लगाना। टारगेट की बात करते हैं अपसाइड जो स्टॉक के रजिस्टर में दिखते हैं वो 2.5 रुपए और 3 रुपए के आसपास, तो 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए के बीच के आपके इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक है या टारगेट आप बोल सकते हो। समझ आ गया स्टॉक में क्या करना है? अगर स्टॉक में मौका मिलता है, डिप आता है, तो डेफिनेटली बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसी प्राइस रेंज में। अपसाइड रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको, 2 रुपए से लेके 2.5 रुपए के बीच में रेजिस्टेंस है, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टॉक में कर सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस भी आपको मैंने बतला दिया है, राइट? तो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखिए। और यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट करा है इसने ट्रेंड लाइन का, देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने वाला है, तो मैं ये भी बोलूंगा नजरों में रखिए, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है। तो ये दोबारा अगर मोमेंटम मिलता है तो यहाँ इसी इसके आसपास आप बाय करना स्टॉक को, जो मैंने आपको बताया। देखो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करने वाला है, कर दिया बेसिकली, ठीक है? तब ये एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला है आज, और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है, ठीक है? तो नजरों में रखिए स्टॉक, राइट?